साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने योग दिवस पर देवीलाल स्टेडियम में लोगों से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हर साल योग दिवस की एक अलग थीम होती है। इस बार जो योग दिवस की थीम है वो स्वयं और समाज के लिए योग करना है। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाया गया था और इस साल भारत समेत दुनिया भर में 10वें योग दिवस का जो है आयोजन किया जा रहा है। इस समय हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं वो भी यहां पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही हरियाणा गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर समेत, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी जो है इस समय योग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय हरियाणा के खेल मंत्री हैं संजय सिंह। संजय सिंह से जानते हैं, संजय सिंह जी क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या मैसेज देना? मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और यह मैं समझता हूँ देश को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी पहल जिसको हम मान सकते हैं और इसकी जो विचारधारा, जो विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उससे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उससे आज देश का पूरा विश्व योग कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। और जो एक हमारे देश का सपना होता था भारत विश्वगुरु में विश्वगुरु बने, आज योगा में भारत विश्वगुरु है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस करने वालों को कोई सौगात भी दी है आपने? मैं सभी जो योग करने के लिए सभी योगा पूरे हरियाणा में आए उनके लिए सबके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज कुछ सौगात भी दी है क्या? कुछ दो व्यायामशालाओं का आज उद्घाटन किया है जो विधानसभा में देख रहे हैं कि किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई है, किस तरह से देखते हैं? तो आज योग दिवस है, योग दिवस में बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश को एक स्वस्थ देश रहे, अच्छा देश रहे उसके लिए योग आवश्यक है। और मैं समझता हूँ सभी को राजनीति पार्टी से छोड़ करके योग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और योग विश्वगुरु बने हमारे बाद उसमें हम सबको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव भी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तमाम जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सर क्या मैं अनादिकाल से चली आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। आज हमारे यहाँ लगभग 5,000 लोगों ने योग का आसन किया, योग का अभ्यास किया और पूरे देश में, पूरे और बल्कि विदेशों में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं गुड़गांव के विशेषकर, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि योग को अपने जीवन शैली में जरूर सम्मिलित करें क्योंकि ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहने में मदद करता है। हर बार सर योग दिवस की अलग थीम होती है, इस बार स्वयं और समाज के लिए योग करना है, तो जैसा आपने भी कहा कि हर दिन योग करना चाहिए, उसके लिए सर प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ योगाभ्यास करने वालों के लिए? यहाँ पे हमारे जितने भी मुख्य पार्क हैं वहाँ पे भी योगा जो है, योग है वो उसका अभ्यास किया जाता है और प्रशासन के, सरकार के द्वारा हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा व्यायामशालाएं हैं वो बनाई गई हैं सारे पंचायतों में, सारे गांवों में वहाँ पे किया गया है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ व्यायामशाला बने हैं वहाँ पे जाकर के अपना योग का अभ्यास करें। बिल्कुल, सभी को योग करना चाहिए, ऐसा गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने भी कहा है। हमारे साथ गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर भी हैं। सर आज योगाभ्यास आपने भी किया तमाम लोगों को, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर क्या? आज एक बड़ा महान दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमें भी यहाँ योग करने का मौका मिला। योग का मतलब है भगवान से जोड़ना, भगवान वाला आनंद। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो योग करना ही पड़ेगा। और आज हमारे पुलिस लाइन, तीन पुलिस लाइन है गुड़गांव में, तीनों में अलग से भी योग हो रहा है क्योंकि यहाँ जगह कम थी, सारे यहाँ नहीं आ सकते थे। ये भी आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खचाखच भरा हुआ है। तो भारत की सबसे बड़ी जो पावर है वो ये है कि भारत एक स्पिरिचुअल कंट्री है और हम जो है जितने भी बड़े बड़े अमेरिका के देख लो, मार्क जुकरबर्ग देख लो, स्टीव जॉब्स देख लो, जितने भी थे वो हमारे ऋषि मुनियों के पास आए, आशीर्वाद लेके गए और उन्होंने अच्छे कुछ बड़े बड़े काम किए वर्ल्ड में जाके। तो हमारा तो ये देश है तो हमारी परंपरा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा योग है और मैं यहाँ सब बच्चे भी आए हुए हैं तो
आजकल जो झगड़े बढ़ रहे हैं, जैसे मैं तो कमिश्नर पुलिस यहाँ देखता हूँ, मेरे पास 50% लोग तो वो आते हैं जो कि फैमिली में आपस में डिस्प्यूट है। ये है कि लोगों में मतलब वो कम हो गया है, आजकल सहन शक्ति कम हो गई है, सब कम हो गई है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी, और उसका सबसे अभिन्न अंग है योग। तो योग से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि सब अपने जीवन में योग को आधा घंटा पौना घंटा जरूर अपने जीवन में योग और प्राणायाम करें। उससे जीवन में एक आनंद आएगा, आपको किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीवन में सहज ही सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो मेरा सबसे प्रार्थना है कि योग करें। सर जब योगाभ्यास आप कर रहे थे तो तमाम जो टिप्स है वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या रोजाना आप भी योगाभ्यास? हाँ, रोजाना हम योगाभ्यास करते हैं और सारे करने ही चाहिए सबको। और आज हमारे पुलिस वाले भी सारे योग कर रहे हैं, वैसे सब करते हैं। तो मेरे सबसे प्रार्थना है कि योग जरूर करें, जिंदगी का इसको अभिन्न अंग बनाएं। एक लास्ट सवाल सर, पहले हम देखते थे कि ऋषि मुनि योग करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर किसी ने दिनचर्या में अपना योगाभ्यास करना शुरू कर दिया है। शरीर के लिए भी कितना स्वस्थ है, और साथ ही जिस तरह आपने कहा कि जो झगड़े बढ़ रहे हैं वो कितना कम है? देखिए ऐसा है, मैं आपको ये तो सत्य बता दूं कि आजकल आदमी जीवन में बाहर सुख ढूंढने लग गया है, और उसी की वजह से झगड़े का रीजन है। अगर खुद ही योग करेगा, प्राणायाम करेगा, तो खुद ही उसमें इतनी संतुष्टि आ जाएगी, खुद ही आदमी में इतनी संतुष्टि आ जाएगी, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी बाहर से प्राप्त करने की। तो इतना संतुष्ट रहेगा तो जो जिसके पास है वही सबको देगा, अपने पास हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस ही देगा। तो इसलिए जरूरी है कि सब योग प्राणायाम करें और खुश रहें, जीवन में आनंद रहेगा तो सबको आनंदित रखेंगे और समाज एक बेहतर बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने सुना जो कि गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि हर दिन सभी लोगों को योगाभ्यास करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और उसी दिन योगाभ्यास करें। अगर हर दिन योगाभ्यास करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपके जो मन में जो है अच्छे विचार आएंगे। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।